राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज भाजपा द्वारा रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है और यहां से रैली निकाल कर ये लोग शहीद चौक तक जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों में बहुत आक्रोश भरा हुआ है और इन लोगों का मांग यह है कि रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दो, मतलब फांसी दो। लोकसभा में हमने मांग की कि सीबीआई जांच करा लो, सीबीआई जांच करा लो तो मामला साफ हो जाएगा। एक बच्चा जिसने अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं की उसकी मॉब लिंचिंग हो गई, अब राजनीति कर रहे हो आप, बोलो ये मॉब लिंचिंग नहीं है। एक बच्चा चला गया, उसका परिवार का अकेला बच्चा था, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। और जो दुख बांटने जाए, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती, हिंदू संस्कृति क्या कहती है, खुशी में जाओ नहीं जाओ, जहाँ दुख का पहाड़ टूटा वहाँ जाओ दुख बांटने जाओ। जो दुख बांटने जाता है उसको भी आप रोक लेते हो, क्या आपातकाल है कि इमरजेंसी है, क्या है भाई, न्याय मांगने जा रहे। ये व्यक्ति दिल्ली से आके स्वावलंबन के हेतु वहाँ पैसा देने जा रहा था, मदद करने जा रहा था, दुख बांटने जा रहा था, आपने उसको एयरपोर्ट पे घेर लिया कि नहीं सब नहीं जाने देंगे, तो ये गलत है। पार्टी उसको उसके हत्या जो हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, उसके लिए लगातार पूरे संघर्ष करने का काम कर रही है और आज सभी जिला केंद्रों में मशाल जुलूस और पुतला दहन के माध्यम से इस सरकार को हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि हत्या मॉब लिंचिंग के माध्यम से हुई है और सरकार जो बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, लंगड़ी सरकार है, उसको न्याय देने में विफल साबित हुई है और हम कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति राज्य की सरकार कर रही है। एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उसकी आत्मा को शांति मिलना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस विषय को लेकर के पूरे प्रदेश में संघर्ष करने का काम किया है और आज पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय में आज हम सब मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कीजिए, राज्य में अमन और चैन आए और साथ में आपका जो कानून व्यवस्था, जो चौपट कानून व्यवस्था है उसमें सुधार कीजिए। जनता आज सड़क पर उतरी है और मशाल उलगुलान का प्रतीक है, मशाल क्रांति का प्रतीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि मशाल के माध्यम से हम उलगुलान की शुरुआत भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मशाल जुलूस निकल चुका है और ये अभी फिर आया लाल तक जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, ये खबर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। मॉब लिंचिंग करने वाला किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, न्याय मिलना चाहिए। कि नहीं रुपेश पांडे के हत्यारों को, हत्यारे जो है वो उनको फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। चाहे कोई हो, यदि एक समुदाय विशेष के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जिन्होंने हत्या की है, ये मुद्दा है। और यदि कवरेज की हत्या हो जाती है, बॉम्ब लिंचिंग हो जाती है, तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, यूएनएफ तक खबर हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ ये तथाकथित डिजाइनर पत्रकार से लेकर और सारे कांग्रेस है, जेएमएम है, राजद से लेकर तमाम विपक्षी दल ये तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं और एक समुदाय विशेष के वोट के लिए हिंदुओं पर अत्याचार को बढ़ावा देने वालों को
संरक्षण देने का काम है। सरकार इसलिए कोशिश नहीं कर रही है, उन्हें एक समुदाय विशेष शांति दूतों का वोट चाहिए। अब शांति दूत का अर्थ समझ गए होंगे, कौन शांति दूत है, तो शांति दूतों का वोट पाने के लिए वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे। बल्कि आपने देखा होगा कि 4 दिन तक नेट वगैरह बंद कर दिया। अभी हमारे कपिल मिश्रा आए हुए थे, उनको एयरपोर्ट से उनको वापस जाने को विवश कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक रूपेश पांडे को न्याय दिलाने के अनवरत कार्यक्रम चलाते रहेंगे और सरकार को विवश होकर उस समुदाय विशेष के लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर और फांसी तक फंदा पहुंचाने के लिए विवश होना पड़ेगा। जिस प्रकार से घटना के तुरंत बाद इंटरनेट की सुविधा वहां बंद करवा दी गई, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि प्रशासन से सवाल उठाने के लिए प्रशासन इतनी सशक्त नहीं है कि मुद्दे को पूरी अच्छी तरीके से हल कर सके। नहीं नहीं, ये सब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ना, एक चोर तबरेज को बड़ी हो हंगामा पूरे देश में विदेशों में हुआ था, लेकिन रूपेश पांडे चूंकि हिंदू था, उसकी हत्या, उसका मॉब लिंचिंग एक समुदाय विशेष के लोगों ने किया, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।